नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पेडागॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि टीचिंग स्किल से रिलेटेड आप लोगों को पार्ट 1 हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम उसमें टीचिंग स्किल का डेफिनेशन और उसके करेक्टरिस्टिक परिभाषाएँ और उसकी विशेषताओं के बारे में बताए हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के लास्ट में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हैं। अब आज हमका जो हम लोग पार्ट 2 है वो हमारा रिलेशन है टीचिंग टाइप ऑफ टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रकार। आखिर शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि बहुत सारे शिक्षण के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्रमशः, मतलब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्रमशः 14 तथा 18 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है। मतलब सूची तैयार किया मतलब इन्होंने प्रकार बताए हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 प्रकार और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 प्रकार के टीचिंग स्किल के बारे में बताया है। पूरे भारतवर्ष में सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म होता है केस, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा ने किस शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है। अब यहाँ पे MS विश्वविद्यालय जो बड़ौदा का है, उन्होंने टोटल जो शिक्षण कौशल बताया वो है 21। नेक्स्ट आता है सन 1976 में डॉक्टर पासी ने 13 शिक्षण कौशलों को माने, जबकि डॉक्टर जंगीरा ने सन 1979 में 20 शिक्षण कौशलों को आवश्यक बताया। फिर नेक्स्ट डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर मिश्रा तथा डॉक्टर ममगाइन ने सन 1983 में एक शिक्षक के लिए 15 शिक्षण कौशलों की पहचान की। फिर आगे के पृष्ठों में हम आप लोग को कुछ शिक्षण कौशलों की सूचियां बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप शिक्षण को बहुत ही अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अब हम आप लोग को किसके अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं उसका पूरा लिस्ट देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट, ये सारे शिक्षण कौशल तो नहीं, इन सभी शिक्षण कौशल में से क्या क्या इम्पॉर्टेंट शिक्षण कौशल है उसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। तो डिटेल में जाने से पहले पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं कि कितना क्या क्या टाइप है शिक्षण कौशल के। प्रोफेसर DLN तथा प्रोफेसर K रायन ने शिक्षण का विश्लेषण करके निम्नांकित 14 शिक्षण कौशल को महत्वपूर्ण बताया है। अब ये 14 शिक्षण कौशल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पॉइंट 1, उद्दीपन परिवर्तन, जिसे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट 2, विन्यास प्रेरणा मीन्स सेट इंडक्शन। पॉइंट 3, समापन मीन्स क्लोजर। पॉइंट 4, शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत, टीच मीन्स टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। नेक्स्ट पॉइंट 5, पुनर्बलन रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट 6, प्रश्न पूछने में गति फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट 7, अनुशीलन प्रश्न प्रॉबिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट 8, विकेंद्री प्रश्न डाइवर्जेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट 9, व्यवहार की पहचान एवं देखभाल मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर्स। नेक्स्ट पॉइंट 10, दृष्टांत देना तथा उदाहरणों का प्रयोग करना मीन्स इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट 11, व्याख्या देना मीन्स लेक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट 12, उच्च स्तरीय प्रश्न मीन्स हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट 13, नियोजित पुनरावृत्ति मीन्स प्लान्ड रिपीटेशन। नेक्स्ट पॉइंट 14 एंड लास्ट, संप्रेषण पूर्णता मीन्स कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये टोटल 14 प्रोफेसर DLN तथा प्रोफेसर K रायन के अनुसार उन्होंने 14 टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल को बताया। ये 14 प्रकार के शिक्षण कौशल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VK पासी के अनुसार उन्होंने कुल 13 शिक्षण कौशल, 13 टीचिंग स्किल को महत्वपूर्ण बताया है कि ये टीचिंग स्किल का प्रयोग करके टीचर अपने शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय एवं प्रभावी बना सकता है। तो ये क्या क्या है टोटल 13, इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट
फर्स्ट पॉइंट वन, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट टू, पाठ की प्रस्तावना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए लेसन। नेक्स्ट पॉइंट थ्री, प्रश्नों की प्रभावशीलता मीन्स फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट पॉइंट फोर, अनुशीलन प्रश्न मीन्स प्रोबिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट फाइव, व्याख्या देना मीन्स एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स, उदाहरण के साथ दृष्टांत देना मीन्स इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट सेवन, उद्दीपन परिवर्तन मीन्स स्टिमुलस वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट एट, मौन एवं अशाब्दिक संकेत मीन्स साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। नेक्स्ट पॉइंट नाइन, पुनर्बलन मीन्स रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट टेन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना मीन्स इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट इलेवन, सैंपल का प्रयोग यूजिंग ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट ट्वेल्व, समापन की प्राप्ति मीन्स अचीविंग क्लोजर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट थर्टीन, व्यवहार की पहचान एवं ध्यान मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर्स। तो ये हमारा था इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी के पासी के अनुसार कि 13 सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर वी के मिश्रा तथा डॉक्टर आभा ममगाइन के अनुसार उन्होंने भी कुछ शिक्षण कौशलों, शिक्षण प्रक्रिया का प्रकार बताया है। वो शिक्षण कौशल जो हैं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या क्या है, मतलब लगभग उन्होंने 15 शिक्षण कौशल को बताया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या शिक्षण कौशल हैं। तो पॉइंट वन, पाठ प्रस्तावना, इंट्रोड्यूसिंग लेसन। नेक्स्ट पॉइंट टू, व्यवहारिक उद्देश्य लिखना मीन्स राइटिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट थ्री, शिक्षण बिंदु निकालना मीन्स फाइंडिंग टीचिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट फोर, प्रश्नों की प्रभावशीलता मीन्स फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट पॉइंट फाइव, खोजक प्रश्न मीन्स प्रॉबिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स, सैंपल प्रयोग मीन्स यूजिंग चॉकबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट सेवन, पुनर्बलन मीन्स रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट एट, व्याख्या करना मीन्स एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट नाइन, उद्दीपन परिवर्तन मीन्स स्टिमुलस वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट टेन, सक्रिय शिक्षक कथन देना मीन्स एक्टिव टीचर स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट अलेवन, मूल्यांकन करना मीन्स यूजिंग इवेल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ट्वेल्व, कक्षा विभिन्नता की अनुरूपता मीन्स केयरिंग क्लास इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट थर्टीन मीन्स प्रभावशाली संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट फोर्टीन, कक्षा प्रबंध मीन्स मैनेजिंग क्लासेस। एंड लास्ट वन पॉइंट फिफ्टीन, समापन की प्राप्ति मीन्स अचीविंग क्लोजर। तो ये थे 15 प्रकार शिक्षण कौशल के जो डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर वी के मिश्रा तथा डॉक्टर आभा ममगाइन के अनुसार। तो ये हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक के अनुसार शिक्षण कौशल के प्रकार थे। अब इनमें से हम इन प्रकार में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में डिटेल में जानेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सभी को नहीं, कुछ इसमें से हैं 5-6 प्रकार जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो इसका पार्ट 3 होगा जिसमें हम आप लोगों को इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल के प्रकार को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे के पार्ट भी आप लोगों को मिल जाए।